इस वक्त भारत में आईपीएल के मुकाबले खेले जा रहे हैं जो मई महीने के अंत तक खेले जाएंगे। उसके बाद भारत को आयरलैंड और इंग्लैंड का दौरा करना है, लेकिन इन दौरों के बाद भारतीय टीम का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा, जहां दोनों टीमों को 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेलने हैं। आपको बता दें कि BCCI ने इस सीरीज के लिए शेड्यूल की घोषणा कर दी है, जिसमें उन्होंने तारीख और वेन्यू की घोषणा की है। अच्छी बात ये है कि इस बार सभी मुकाबले अलग अलग मैदानों में खेले जाएंगे। T20 सीरीज की शुरुआत 9 जून को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित होने वाले मैच के साथ होगी। इसके बाद कटक, विशाखापट्टनम और राजकोट में अगले 3 मैच आयोजित होंगे। सीरीज का आखिरी मुकाबला 19 जून को बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में आयोजित होगा। बता दें कि पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय 9 जून को खेला जाना है, उसके बाद दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय 12 जून, तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय 14 जून, चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय 17 जून और आखिरी T20 अंतर्राष्ट्रीय 19 जून को खेला जाएगा। इससे पहले भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच पिछले साल दिसंबर और जनवरी महीने में टेस्ट और वनडे सीरीज दक्षिण अफ्रीका में ही खेली गई थी। टेस्ट सीरीज में भारत को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था, वहीं वनडे सीरीज भारत 3-0 से गवा के आया था। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम अफ्रीका में मिली इस हार को घरेलू सीरीज को जीतकर भुलाना चाहेगी। आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिहाज से ये सीरीज टीम इंडिया के लिए भी काफी मायने रखती है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।